अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ एक पुरानी वीडियो का लिंक ऐड करते हुए वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ थोड़ी सी अपडेशंस आई वो आपके साथ शेयर कर लूँ। पुरानी वीडियो जो मैंने तकरीबन कोई साल पहले बनाई थी वो था जी रोशन डिजिटल अकाउंट, किस तरीके से रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर की स्कीम जो 2020 में अनाउंस की गई थी, तमाम वो पाकिस्तानी जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए ये कंपलसरी है कि वो लोकल ट्रांजैक्शंस को इजीली कर सकें। बताने का मकसद ये है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मीज़ान बैंक का हवाला दिया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस सिलसिले में और हमारे स्टेट बैंक ने कुछ 7 या 8 बैंकों को ऑथोराइज किया है जो रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से काम कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट्स पे हर चीज़ अवेलेबल है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से अकाउंट खोला जा सकता है और अकाउंट के मेन फीचर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो में मौजूद हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से तरीक़ेकार हैं जिसमें POS कार्ड होने चाहिए या नॉन रेजिडेंट कार्ड होने चाहिए, आपका NICOP हो उस हवाले से आपका ये रोशन डिजिटल अकाउंट खुल जाता है। इसमें उन्होंने जो कंफर्म किया है वो पाक रुपी का अकाउंट भी है, उसमें US डॉलर का अकाउंट भी है, यूरो अकाउंट भी खोल लेते हैं, इसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स हैं जी, आप जिस तरह चाहें आप खोल सकते हैं। पर इसका मेन फीचर ये है कि आप एक्चुअली नॉन रेजिडेंट हों, रेजिडेंट्स के लिए ये नहीं है। बट अगर रेजिडेंट्स शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है कि उनके पास जो फॉरन एसेट्स होने चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे घर हो, चाहे कैश हो, चाहे फॉरेन करेंसी अकाउंट हो आउट ऑफ पाकिस्तान, जैसा भी है, अब वो लोग लोकल पाकिस्तानी वो खोल सकते हैं। बताने का मकसद ये है, अब जब से ये इसकी पॉपुलैरिटी हुई है बेशुमार पाकिस्तानी, थाउजेंड ऑफ पाकिस्तानी हैं और बिलियन ऑफ रुपीज़ इस प्रोजेक्ट में लग गया है और बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि घर के बिल वगैरह जमा करवाने हों, आपने कोई गाड़ी पर चीज बाय करनी हो, आपने जिस तरह गवर्नमेंट की स्कीम है नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो या कोई और इन्वेस्टमेंट करनी हो, या आपने वो घर लेना हो, आप खुद पाकिस्तान से बाहर रहते हो, अकाउंट ऑपरेट करने हो, बच्चों की फीसें वगैरह पे करनी हो, सारी की सारी इससे कर ली जाती हैं। बहुत अच्छे फीचर्स हैं जी इसके, नो डाउट इससे हमारे जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं उनको बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। बताने का असल मकसद सिर्फ ये है कि जो यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं उनके लिए आसानी है, वो डायरेक्ट पैसा किसी को ना भेजें, जस्ट हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें। जिस तरह के आम तौर पे घरों को में पैसों की ज़रूरत होती है और उसके अलावा बाकी तमाम लवाजमात हैं, बिलशिट पे करने, गाड़ी के मामलात हैं, घर हो, कुछ हो, जिस तरह रूटीन के खाने पीने के अखराजात हैं, सारे के सारे पे किए जा सकते हैं। इस अकाउंट में एक मेजर फीचर ये है कि अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है कि कितना पैसा आपने पाकिस्तान इसमें अकाउंट में रखना है, जितना पैसा पाकिस्तान इसमें रखेंगे उतना पैसा इसमें इससे विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके अलावा जितना पैसा पाकिस्तान इस अकाउंट में भेजेंगे उतना ही पैसा रिटर्न बैक करके वापस ले भी जाएंगे। ये सारी बताने का मकसद ये था, इससे अकाउंट बहुत अच्छा ऑपरेट किया जा सकता है और घर वालों की ज़रूरियात बहुत अच्छे तरीके से पूरी की जा सकती हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट की पब्लिसिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और बेसिकली जो ये उन लोगों को फ़ायदा देता है जिनके ज़्यादा बंदे पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। शुक्रिया।